आप सब स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीएड स्पेशल एंट्रेंस का सेकेंड लिस्ट आ चुका है और इसका जो डेट है 27 तारीख से लेकर 28, दो दिन दिया गया है। 27-28 को आपको जाके एडमिशन ले लेना है, क्योंकि अगर 27-28 को नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल माना जाएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो सब पहले ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि एडमिट कार्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना चाहिए और 2 रिसेंट साइज पासपोर्ट फोटो होना चाहिए। और जिस कैटेगरी के थ्रू आपका हुआ है, जैसे और हाँ जिस कैटेगरी के थ्रू हुआ है वो आपका उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट भी होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आप बीएड करने जा रहे हैं तो उस केस में आपके पास ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट होनी चाहिए। इन केस अगर आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, तो उस केस में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी देखिए सब कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के थ्रू होगा उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और अगर आपका कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए। और सेकंड जो मैंडेटरी आपका है वो आपका है ब्लड ग्रुप टेस्ट, ठीक है, ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट, देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट अटेंडिंग आपका है वही से बनवाना होता है, लेकिन जो डिस्टेंस से कर रहे हैं या फिर जिनको एक बार करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा चुका है लेकिन उनका खो गया है, तो उस केस में नोटरी से बनवा ले जाके, ठीक है। बाकी गैप के लिए आपको बता दिया, गैप नोटरी से आपको बनवाना पड़ेगा। और एंटी रैगिंग, जो एंटी रैगिंग सबके लिए कंपलसरी है और आपको यहाँ से बनवाना है www.antiragging.in से, यहाँ पर जाके आपको एंटी रैगिंग फाइल कर देना है, इसको प्रिंट आउट करा लेना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको क्या करना है, इसको फिल मतलब भर देना है, ठीक है। प्रिंट आउट कराने के बाद एडमिशन के वक्त ले जाना है। और दो रैगिंग बनेगा, एक आपके नाम से बनेगा, एक आपके पेरेंट्स के नाम से बनेगा, ठीक है। चलिए बाकी देखिए, यहाँ पर रिजल्ट के बारे में दिया कि 31 तारीख तक रिजल्ट सबमिट हो जानी चाहिए। अब आइए बात कर रहे थे किन किन कैंडिडेट का हुआ है और इस बार की कट ऑफ कितनी रही, क्या थर्ड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो आइए पहले हम इसके बारे में बात कर रहे थे, फिर थर्ड लिस्ट के बारे में डेफिनेटली बताएंगे कि कितने लोगों का सलेक्शन हो रहा है। देखिए जनरल कैटेगरी का इस बार कट ऑफ गया है 55.50 गया है, मुस्लिम का 42.25 गया हुआ है, ठीक है। और कितने कैंडिडेट का हुआ है इसके बारे में बात कर ले, जनरल कैटेगरी से विजुअल इंपायर्ड में 1 लोगों का हुआ है और मुस्लिम कैटेगरी से 2 लोग का हुआ है, रोल नंबर है, देख सकते हैं आप यहां से। चलिए नेक्स्ट लिस्ट की बात कर लेते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में जनरल की जो इस बार की कट ऑफ 53 गई हुई है, मुस्लिम कट ऑफ 53 गई है, मुस्लिम वुमेन की कट ऑफ 51 गई है और पीडब्ल्यूडी कोटे की कट ऑफ 44 गई हुई है। आइए देख लेते हैं कितने कैंडिडेट का हुआ है सिलेक्शन, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम से 1 लोग का सिलेक्शन हुआ है, मुस्लिम वुमेन से 1 लोग का हुआ है और पीडब्ल्यूडी कोटे से 1 लोग का सिलेक्शन हुआ है। अब आइए उर्दू मीडियम की बात कर लेते हैं, उर्दू मीडियम वीआई की। तो उर्दू मीडियम वीआई की जो इस बार की कट ऑफ है 31 गई है, 31 उर्दू मीडियम वीआई की कट ऑफ 31 गई है, और ये जो सीट क्लियर हुई मुस्लिम कोटे से क्लियर हुई, जिनमें 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब आइए उर्दू मीडियम से, अच्छा एलडी की नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो थर्ड लिस्ट आएगी, जो थर्ड लिस्ट आपकी डेफिनेटली आएगी, 100% थर्ड लिस्ट इसकी आने वाली 100%। और लर्निंग डिसेबिलिटी से एलडी से टोटल 4 सीटें खाली होने वाली है, एटलीस्ट 4 सीटें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 4 सीटें के लिए मैं श्योर हूँ कि 4 सीटें एलडी में खाली होगी। अब वीआई में मेरे जो नोन में आया है, वीआई में 1 सीटें वीआई में आएगी, तो टोटल 5 सीटों का जो थर्ड लिस्ट आएगा, डेफिनेटली 5 सीटों का थर्ड लिस्ट आने वाला है। तो अगर किसी का 1-2 वेटिंग है तो वेट कर सकता है, उसका क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसे अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब कभी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।